हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर देखो लिखा भी गया है और जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह रोटेटिंग डिवाइस है, यानी एक रोटेशनल मोशन करता। देखिए लिखा गया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये डायरेक्ट लिखा गया है बुक में, तो आप इसमें लिख सकते हैं। पेज नंबर 232 पर है, इलेक्ट्रिक मोटर हेडिंग है, उसमें लिखा गया है। फिर से आप सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। जैसे फैन देखिए, तो फैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करके उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे फैन रोटेशन करने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फैन में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स में, कई जगह पर करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें, तो इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखें, इसमें तो पहले तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेट लगते हैं जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल आमने सामने हो। यहाँ पर मैग्नेट लीजिए और उस मैग्नेट के बीच में नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर आमने सामने, तो इसके बीच में समझ लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसमें रखा होता है हम लोग क्वाइल रखते हैं जो वायर की बनी होती है, रेक्टेंगुलर क्वाइल, कहीं पर सर्कुलर क्वाइल रखते हैं जिसमें कई नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, यहाँ क्वाइल रखते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसके अंदर कोर मटेरियल होता है। ठीक है, ये क्वाइल रखते हैं। अब इस क्वाइल से यहाँ पर आप देखेंगे, आप स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं इस वायर से। इस वायर का मान लीजिए नाम ए बी, कॉइल का नाम ए बी सी डी रख दिए। अब इसके ए एंड पर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगी रहती है। उस स्प्लिट रिंग का शेप ऐसे कर्व शेप में रहता है, कर्व शेप में। यहाँ पर दूसरी स्प्लिट रिंग लगी रहती है। ठीक है, आपके बुक में जो फिगर दिया गया है उसमें स्प्लिट रिंग को पी एंड क्यू के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, और इस स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में एक कार्बन का बना हुआ छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग को केवल टच करता है बस। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सल या सॉफ्ट लगा रहता है। एक्सल का मतलब जानते होंगे, रॉड होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल पहले रखिए और रॉड और क्वाइल के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रख दीजिए। ठीक है, जैसे यह क्वाइल है, इंसुलेटिंग मटेरियल में कई इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं, रख करके तब आप ये एक्सल मने आयरन की राड लगाइए और यह आयरन की राड यहाँ से बाहर निकली रहती है। जानते रहिएगा, यहाँ पर रॉड बाहर निकली रहेगी और यह रॉड जो बाहर निकली रहेगी, इसी से हम किसी चीज़ को चला पाएंगे। अब ये कार्बन ब्रश जो है, वो कार्बन ब्रश का हम लोग कनेक्शन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कर देते हैं, जहाँ से
इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आपके यहाँ बुक में सेल्फ बैटरी दी गई है तो यहाँ पर बैटरी ले लीजिए और बैटरी से की जोड़िए ताकि ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें ये जो स्प्लिट रिंग दो लगी हुई है, उन स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर नाम देते हैं, ठीक है। बुक में लिखा भी गया होगा, इसका नाम होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर नाम इसलिए पड़ा होता है क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, ये इस क्वाइल के अंदर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, चेंज करता है, उसके डायरेक्शन को बदलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कम्यूटेटर। हाफ साइकिल के बाद आधा चक्र, जब ये आधा साइकिल घूम जाएगा तो ये कम्यूटेटर जो है इसमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, ठीक है। ये पूछा जाता है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि यह कॉइल में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। आप पेज नंबर 233 पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में कहा गया है इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर, ठीक है। स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज कम्यूटेटर लिखा गया है इसमें, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ करंट आल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर लिखा गया आ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, लिखा गया है छठवें और सातवें लाइन में। तो ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है जिसका काम है करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें वर्किंग। अब देखिए, अब आप इसमें करंट जैसे ही फ्लो करेंगे तो करंट जानते हैं इस डायरेक्शन से आ रही, पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे इसमें करंट फ्लो करेगी। जैसे करंट, अब इसमें देखिए करंट किधर से किधर जा रही है, ए से बी की ओर, और इस साइड देख रहे हैं सी से डी की ओर। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। करंट यहाँ पर ए से बी का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल यानी इस तरफ है, तो यानी आप अपने फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और मिडिल फिंगर से यानी सेकंड फिंगर को आप करंट के डायरेक्शन कर दीजिए यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कर दीजिए। तब आप अपने थंब को देखिए, अंगूठे को देखिए, ये वाइट बोर्ड के अंदर की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वह वाइट बोर्ड के अंदर की ओर या नीचे की ओर लगेगा, जिसके कारण यह नीचे की ओर मूव करेगा। और इस पर अगर देखा जाए, फिर से ए बी पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अपवर्ड है, और इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई साउथ डायरेक्शन में, और ये हो गया मैग्नेट के साउथ डायरेक्शन, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन बताने के लिए। जब दोनों को सुपरइम्पोज कर दिए तो आप अंगूठा देखिए बाहर की ओर आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यह ऊपर की ओर आएगा और यह नीचे की ओर जाएगा, और यह कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी। जब रोटेट कर जाएगी तो हाफ रोटेशन के बाद आप देखेंगे, तो हाफ रोटेशन जब ये हो गया तो ये सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम नहीं खींचेंगे, दूसरा नहीं बनाएंगे, इसी में देख लीजिए, ठीक है। सी डी अब ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी।
अब देखिए कम्यूटेटर ये वाला यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब की बार में देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन इसमें डी से सी की ओर हो गया और इसमें बी से ए की ओर। पहली बार जब देखे थे तो उसमें आपने देखे थे करंट देखा था आपने, करंट का डायरेक्शन पहले ऐसे था, कॉइल में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी, ए से बी की ओर और सी से डी की ओर। लेकिन अब आप देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन बी से ए की ओर और डी से सी की ओर, ठीक है। अब इस पर फोर्स अगर देखेंगे तो इस पर फोर्स अप डाउनवर्ड लगेगा और इस पर फोर्स अपवर्ड लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो ये अब ए बी ऊपर आएगा और यह नीचे जाएगा, फिर यह राउंड कर जाएगा, तो फिर ए बी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, ए बी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, सी डी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और यहाँ पर सी डी हो जाएगा। अब सी डी पर फोर्स अपवर्ड लगेगा और इस पर डाउनवर्ड लगेगा, फिर यह रोटेट कर जाएगा। यानी यह अगेन एंड अगेन रोटेशन करते, जब तक आप करंट देते रहेंगे तब तक यह रोटेट करेगी। और इसी कॉइल के साथ आपने इस एक्सल यानी आयरन रॉड को लगाया है तो यह रॉड भी रोटेट करेगा, रॉड रोटेट करेगा तो इसके साथ आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो अपने आप रोटेट करें। जैसे फैन का ब्लेड लगा देंगे तो फैन का ब्लेड रोटेट करेगा, तो ये रोटेशन करेगा, आपको हवा लगेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जब तक करंट मिलता रहेगा इसमें रोटेशन रहेगा तो इसमें आपने एनर्जी दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कॉइल को घुमा दे रही है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही है आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन। अब अगर इसको बहुत ज़्यादा मोटर को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा दे दीजिए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ा दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर रख दीजिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके करंट बढ़ा करके, ठीक है, आप इस मोटर को एक स्ट्रांग मोटर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसको आप बुक में देख करके आप पढ़ सकते हैं।